निरपेक्ष पार्टी जिला भोपाल के लिए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिसमें पीके मिश्रा को सापक्ष पार्टी का भोपाल जिले का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी कर्नल केसरी सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। साथ ही सापक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, सापक्ष पार्टी के महासचिव बी के बख्शी, सापक्ष पार्टी के ही प्रदेश सचिव विजय झा एवं कोषाध्यक्ष जय शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही जिले के कार्यकारी अध्यक्ष ऋषि मिश्रा एवं नगर अध्यक्ष सुदर्शन राय एडवोकेट को निर्विरोध चुना गया। यह जानकारी राघवेंद्र मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि सभी नियुक्त पदाधिकारी को सब ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मेरा नाम सुरेश शुक्ला, सपाक्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। आज बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। सपाक्स पार्टी में पूरे मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चुनाव चल रहे हैं और कुछ समय बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव। आज 24 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में कल भी चुनाव हुए, आज भी चुनाव हुए और आज भोपाल में पी के मिश्रा जी को जिला अध्यक्ष चुना गया है, उनको बहुत बहुत बधाई। नगर अध्यक्ष श्री सुदर्शन राव जी को चुना गया, उनको बहुत बहुत बधाई और हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री विष्णु मिश्रा जी को चयन किया गया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बात चल रही थी कि पार्टी की, बहुत सारी पार्टियों में देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो आपस में लड़ने मिलने की एक पद की बड़ी वो रहती, लालसा रहती है। सपाक्स पार्टी में सभी लोग सामंजस्य बना के किसी को अध्यक्ष चुनते हैं और उसको साफ सहयोग देते हैं। अभी एक बात हो रही थी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार जो मध्य प्रदेश में आए हुए थे, कल उनका दौरा था 22 तारीख, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली कि शायद देश के प्रदेश के लोग सुने हैं कि नहीं सुने। उन्होंने बोला है कि सरकार को विकास करने की जरूरत नहीं है, सरकार को संगठन मजबूत करने की जरूरत है। इसका मतलब होता है कि सरकार चाहती ही नहीं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, वो केवल अपना विकास करने की उनको जरूरत है, उसके लिए वो मध्य प्रदेश में उनका 22 तारीख को आगमन था। दूसरी बात है कि अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में अभी बहुत सारे अतिक्रमण, बुलडोजर मामा, अभी बुलडोजर की बहुत ज़्यादा पहल चल रही है आपस में बुलडोजर, जबकि देखा गया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में केवल 36 मकान मुस्लिम वर्ग के तोड़े गए, वहीं पर करीब 64 मकान हिंदू वर्ग के तोड़ दिए गए। और जबकि सरकार ने ही उन मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए थे और उन्हीं को तोड़ दिया, तो अवैध कैसे? इसका तो ये मतलब है या तो आप गलत हैं या वो गलत, इसकी कौन जांच करेगा क्या? एक 300 साल पुराना मंदिर राजस्थान में तोड़ दिया गया, ये देखिए कि हमारे देश की विडंबना देखिए। और हिंदुत्व की बात करते हैं हम तो कहते हैं अगर इतने हिंदुत्व वाले तो रोडों पर बहुत सारी मस्जिदें हैं, ये भी तोड़ के तो बता दो, मंदिर तो तुरंत तोड़ देते हो, मंदिर तो जहां है उनको हटा देते हो, तोड़ देते हो। और हिंदुत्व की बात करती बीजेपी, किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? आपस में लड़ाने की, भाईचारे में लड़ाने की बात करते हैं। तो ये देश की सरकार है, ये दोनों सरकार कांग्रेस और बीजेपी 70 साल से आपस में एक नांगना तो सामना थे, दोनों को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल उनकी वोट की राजनीति के लिए ही है। और ये वोट की राजनीति के लिए ही वो आए थे और केवल वोट की राजनीति, केवल उनको सत्ता चाहिए, एन के कारण उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से आप आपस में जाति भाई के बारे में लड़ते रहे तो ऐसी ही सरकार लोगों बनाते रहेंगे और सरकारें अपना विकास करेंगी, न कि जनता का विकास कभी हो पाएगा। जय हिंद जय श्री। आज जिला कार्यकारिणी का सपाक्स पार्टी का चुनाव हुआ, चुनाव बहुत खुशी की बात है कि निर्विरोध हुआ। जब कभी चुनाव निर्विरोध होता है तो इसका मतलब है कि आपस में बहुत समन्वय है और कोई गुटबाजी नहीं है और सभी मिलजुल के काफ़ी 20 से ऊपर काफ़ी लोग यहाँ लोग मौजूद हैं और ये पूरा जिला अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष शहरी का और कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष का तीनों का चुनाव हुआ और तीनों निर्विरोध हुआ और तीनों ही एक खुशी की बात है कि हम कन्वे करना चाहते हैं कि डेडिकेटेड वर्कर है पार्टी,
इन लोगों ने पहले भी पद को संभाला है और काफ़ी लोगों को जोड़ा है और ये सबके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए कि पार्टी गरीबों के हित में काम करने वाली पार्टी है। ये पार्टी ये काम करने वाली है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, बस इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, और आप निर्विरोध चुने गए हैं, जाहिर है कि एक बड़ी बात है ये, तो आपने मतलब किस तरह से सबको मैनेज की करके रखा है और आगे किस तरह आप मैनेज करेंगे सबको? जी नमस्कार, मैं पीके मिश्रा, सपा पार्टी का हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा और हमारे चुनाव प्रभारी जी द्वारा हमें भोपाल शहर भोपाल जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं उन सबका सादर आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सवाल के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि निर्विरोध हमारे यहाँ पे कितने हम बैठे हुए हैं, हमारे समकक्षी साथी जितने हमारे हैं, तो हम टोटल जितने हैं सारे के सारे जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ जितने आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, वो सभी अपने आप में जिला अध्यक्ष हैं। हम लोगों की सोच, हम सब की बात करने वालों विचारधारा वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग सबकी हित चाहते हैं, तो निश्चित है कि वो उनको कोई हिला नहीं सकता। हमारे साथियों को वो अपने आप संभरे रहेंगे, हमें संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद हमको संभालते हैं, जैसा कि अभी आपके आपको देखा संभाल दिया, क्योंकि वो इतने साथियों में से किसी का भी ये महत्वाकांक्षा हो सकता है अन्य पार्टियों जैसा कि मेरे को जिला अध्यक्ष बनना है, लेकिन आपने देखा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमने अप्रोच किया हमारे ये ऋषि मिश्रा जी जो अभी कार्यकारी जिला अध्यक्ष पहले भी थे और अभी भी हैं, नाम उनका कार्यकारी जिला अध्यक्ष का है लेकिन वो पूरी तरह से जिला अध्यक्ष वही है क्योंकि मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ऐसा करोगे तो हम तो कार्यकर्ता भर रहेंगे बस। ठीक है, तो हम सब भाइयों में कोई भेदभाव नहीं है, हम सब जिला अध्यक्ष हैं, सब हम सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं हम लोग जो है तो परम सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हीरा लाल त्रिवेदी जी जो भारत के माई के लाल हैं और हमारे मध्य प्रदेश के माई के लाल हैं, माननीय परम सम्माननीय सूर्य शुक्ला जी, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ और हमें तो एक और बर्दाश्त प्राप्त है, हमारे जो परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं परम सम्माननीय सुनील पांडे साहब, हमको तो उनका भी मार्गदर्शन मिलता है सुबह से शाम तक, तो निश्चित है कि हम अपने पार्टी को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएंगे। जैसा हमारे वरिष्ठजनों ने हमारे साथियों ने हम पर विश्वास जाहिर किया है, निश्चित हम उस हिसाब से अपनी पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कार्य करेंगे। आगे क्या रणनीति है सर आपकी, मतलब मध्य प्रदेश में जो अभी राजनीति में जो चल रहा है भूचाल आया हुआ है ना, कोई कुर्सी के लिए भी वो चल रही है लड़ाई, और अभी अमित शाह के प्रोग्राम में भी देखा गया कि भाजपा बेकफुट में पाई गई, तो इसमें क्या आपकी रणनीति रहेगी, जनता के बीच कैसे आप संदेश ले जाएंगे? सरकारी से जब देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे देश की जनता इतनी अनपढ़ और इतनी पिछड़ी हुई थी कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाती थी कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। अब आप तो सब देख रहे हैं, पत्रकार हैं, आप खुद ही मुझसे ये बोल रहे हैं कि ऐसा कर रही है भाजपा, निश्चित कर रही है। अभी हमारे देश के परम सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे जम्बूरी मैदान में एक इतने बड़े भारत के, इस भारत देश के इतने बड़े नेता और इतने बड़े पौधे में बैठे हुए हैं, वो मंच से ये कहते हैं कि अब मैं जाति की राजनीति करूंगा, जिसकी जाति जितनी ज़्यादा होगी उसको मैं उतना बड़ा नेता बनाऊंगा और उतने बड़े पद पर बैठाऊंगा, खुल्ला उन्होंने स्टेज से कहा है। परशुराम सेवा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आज सपाक्स पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने पर हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे भाई पीके मिश्रा को सपाक्स पार्टी में जिले का अध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए मैं जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया उनके प्रति पूरे संगठन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उनका वंदन करता हूं। साथियों, हमारा संगठन सपाक्स पार्टी जिन विचारों को लेकर आगे बढ़ने के लिए उत्तरोत्तर संघर्ष कर रही है उसके समर्थन में हमेशा हमेशा
सहयोगात्मक रवैया अपनाती रही है और आगे भी अपनाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा नाम ऋषि मिश्रा है। मुझे आज हमारे सपा पार्टी के जिले के साथियों ने पुनः एक बार कार्यकारी जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और मेरे जो वरिष्ठ जन हैं आज के जो चुनाव अधिकारी हैं आदरणीय कर्नल केशरी सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेश शुक्ला जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पी के मिश्रा जी, महासचिव बंशी जी और हमारे सुनील पांडे जी बैठे हैं। जिला अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने उस पर एक बार पुनः भरोसा जताया है और जिले के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व मुझे दिया गया है, तो मैं बिल्कुल अपनी पूरी क्षमता से ऊपर उठकर और सपाक्ष पार्टी को आगे कैसे ले जाना है, आगे कैसे बढ़ाना है, इस विषय पे हम लोग जो है बड़ी गंभीरता से आगे काम करेंगे, उसको आगे ले जाने के लिए हम सबको प्रेरित करेंगे और आप सभी वरिष्ठ जनों का सहयोग हमें मिलता रहेगा, तो एक न एक दिन सपाक्ष पार्टी अपने जिस मुकाम के लिए लड़ रही है उस मुकाम को हासिल करेगी। बाकी हमारे जिला अध्यक्ष और आज चुनाव अधिकारी ने बताया ही है कि सपाक्ष पार्टी जातिगत राजनीति नहीं कर रही है, सपाक्ष पार्टी सिर्फ गरीब और अमीर इन्हीं दो लोगों को लेकर चल रही है। वास्तव में हमारे जो साथी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे कैसे ले जाना है, उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करना है, उनको अपने जो उनका अधिकार है वो उनको कैसे दिलवाना है, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं और इसी उद्देश्य में आगे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। मीडिया कल्चर है, मैं एडवोकेट सुदर्शन राव जिला अध्यक्ष के रूप में भी चुनाव अभी हुए हैं, तो संपर्क में तो अभी निर्विरोध चुनाव हुआ है और मैं जिला अध्यक्ष के पद में भी एक्चुअली जो हमारी सपाक्ष पार्टी है वो पिछली जाति धर्म को लेकर हमारा सिंपल सा फंडा है, सारे की कोई जाति नहीं होती, गरीबी की कोई जाति नहीं होती, लोगों को हमको ये समझाना है और हम इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जाति के आधार पर चलने वाली जितनी भी पार्टी वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस है तो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, बीजेपी है तो हिंदू की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ हमेशा जो है एक लड़ाके और वोट लेने की बातें होती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोजगार इन सब में आज तक कोई बातें नहीं करता, सिर्फ दिमाग को भंग कर देते हैं, कभी दंगा करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, बस यही चीज़ें चल रही है, कोई भी ये नहीं चाहते कि हम कोई अच्छे काम करें, बेरोजगारी आती है, लोग कहते हैं बेरोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब भी हम ये बातें उठाते हैं तो तुरंत कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देती, कभी कोरोना ला देगी, कभी हम होते हैं, तो हमारा सिर्फ मुद्दों पे बात करें, बेरोजगारी अभी ना अभी बैठे लेंगे, हम कहते हैं कि दूसरे देश अच्छे हैं, हम जाके वहाँ पे हम अपने गालियाँ देते हैं कि हमारा देश अच्छा नहीं है, दूसरे देश में आते अच्छा है, लेकिन हम जब तक खुद डेवलप नहीं होंगे तब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई सोचता ही नहीं है, सिर्फ जाति हिंदू मुस्लिम बस यही चलता रहता है, तो हम सपाक्ष पार्टी में रह के ये चाहते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के दिमाग में हम ये बढ़ देना चाहते हैं, दिन रात ही सोचे सिर्फ मेरिट और इंफ्रास्ट्रक्चर, दिमाग में सिर्फ यही रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जाति वाति हम मिटा देना चाहते हैं, तो बस हमारा यही प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने विचारधारा को लोगों तक पहुँचाएं और यही जब लोग हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि जाति को छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, फैक्ट्रीज पर ध्यान देना है, लोग अच्छे हों, तो हमारा देश मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अच्छा बन जाएगा, अगर यही चलता रहेगा जाति और धर्म के आधार।